ये कहना चाहते हैं मतलब कि अगर फाइन भी होता है तो भी आप बंद आप प्लान के साथ आगे जाएंगे बंद के? ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, लोगों को अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए बंद पुकारना, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे नहीं लगता कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट का इतना ही कहना है कि लोग आकर बंद रखते हैं, ये तो हमारा अधिकार है, हम अपना प्रतिष्ठान कभी भी बंद रख सकते हैं। हम आह्वान कर रहे हैं लोगों का असंतोष व्यक्त करने के लिए, ये आह्वान है। लेकिन जिस संस्था ने याचिका दायर करी थी उनका यह कहना था कि मुंबई एक महानगर है, बहुत सारे उद्योग यहाँ पर है, बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर है, इसकी वजह से जो बंद की वजह से जो नुकसान होता है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई होनी चाहिए। देखो, संस्था की कोई सोच हो सकती है, वैसी ही मुंबई की जनता की भी सोच हो सकती है। जैसे संस्था को लगता है कि मुंबई बंद नहीं होना चाहिए, तो मुंबई की जनता को लगता है कि इतना महंगा पेट्रोल सरकार जबरदस्ती लोगों पे लाद रही है, तो इसके विरोध में हमें भी अपने भावना को प्रकट करने का अधिकार है। जैसे संस्था के लोगों को मन है, वैसे जनता को भी मन है। एक आम आदमी इतना 7.5 रुपए, और वो भी इसलिए कि सरकार गलत नीतियों पे चलती है। ये जनता का क्या पाप है कि लोगों ने यूपीओ को चुन के दिया? गलत नीतियों के आधार पर अगर महंगाई बढ़ती है, अगर केंद्र सरकार का यह अपयश है, बाकी देशों में पेट्रोल के दर क्यों कम है, तो हम अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की नीति को सुधार नहीं सके, इथेनॉल की नीति को हम अच्छी तरह से अपना नहीं सके। हमने रशिया में या राजस्थान में इसका खोज किया, उसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो ये सारे अपनी अकार्य क्षमता को छुपाने के लिए 7.5 रुपए करेंगे। और कोई मुंबई की संस्था ये कहेगी कि लोगों ने, केंद्र सरकार ने बढ़ी हुई दाम सहन करना चाहिए, लोगों ने बंद नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि लोकशाही में हमें जैसा संस्था को अधिकार है, वैसे जनता को भी अधिकार है। अब आप आह्वान कर रहे हैं कि लोग अपने हिसाब से बंद करें, आप बंद नहीं करवा रहे हैं, स्वयं मुंबई की बात कर रहे हैं, लिटमस टेस्ट है कि चुनाव तो 2 साल के बाद है। मुझे लगता है कि अगर चुनाव नजदीक रहता तो ये सरकार भी पेट्रोल नहीं बढ़ाती। आता बंद आवाहन आहे आणि आम्हाला असं वाटतंय की जनता ह्याच्यामध्ये निश्चितपणे त्यांचीच भावना आहे, त्यामुळे ह्याच्यात एवढे की सर्व रेल्वे गाड्या जर धावल्या तर त्या रिकाम्या धावतील, कोणी कामावर जाण्याचा प्रयत्न करणार नाही। देखो, ट्रेन तो हम बंद नहीं कर रहे, ट्रेन में जैसा कहा कि लोग प्रवास नहीं करेंगे, सिर्फ स्टूडेंट प्रवास करेंगे, इतनी छोटी बात। जगह मिलेगी, समझ में नहीं आ रहा है। आप एक तरफ कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि खुद से जो है वो बंद करें, दूसरी तरफ आप अपने कार्यकर्ताओं को भी कुछ आदेश दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से बंद करवा रहे हैं या फिर लोगों को आप आदेश दे रहे हैं या फिर किसको कह रहे हैं? नहीं, हमारा ये जो आह्वान है, जो एक संदेश है, वो कार्यकर्ताओं के मार्फत ही, जैसे आपके मार्फत पहुँचेगा वैसे कार्यकर्ताओं के मार्फत जनता तक पहुँचेगा। वो नमस्कार करके सबको आह्वान करेंगे कि इसमें शामिल हो जाइए। बंद 7.5 रुपए पीछे लेने के लिए किया गया है, वो कोई 50 पैसे या 1 रुपए कम करने के लिए नहीं किया है। क्या इस बंद के दौरान उद्धव ठाकरे मुंबई में लौटेंगे? जी, वो इस समय कहाँ है? मुझे पता। शरद राव म्हणतात की आमच्या कुठल्याही संघटना बंद मध्ये समाविष्ट होणार नाही, तो त्यांचा विचार आहे, तो त्यांचा कार्यक्रम आहे, त्यांनी जर पेट्रोल दरवाढीचं स्वागत करायचं त्यांनी करू द्या। महागाईची माहिती दिलेली आहे 133% पासून ते 212% युपीएच्या कार्यकाळात 5 वर्ष आणि आताची 3 वर्ष 8 वर्षामध्ये एवढी जबरदस्त भाववाढ झालेली आहे। आणि ही जे सगळे हे जे काही आहेत या वस्तू, या सगळ्या हे शेतीमाल उत्पन्न आहे आणि शेतकऱ्यांचं काहीच लाभ झालेलं नाही, त्याचं नुकसान आहे।
आणि बाजारात मात्र या सगळ्या वस्तू येतात त्या पैशात प्रचंड दुप्पट तिप्पट किमतीला झालेले आहेत. तर हा सगळा सरकारच्या कल्पनपणाचा आणि एकंदर महागाईकडे उदासीनतेने बघण्याचा परिणाम झालेला. साडेसात रुपये दरवाढीमुळे जनतेच्या भावनेचा जो भडका उडाला याच्या मागची पार्श्वभूमी सगळ्याच महागाईची आहे, ती काय नाकारण्यात अर्थ नाही. खोबरेंचं कालचं जे विधान आहे, महाराष्ट्रातला दुष्काळ हा एकूणच वृत्तपत्रकारितेचं उदाहरण आहे, प्रत्यक्ष दुष्काळाची परिस्थिती राज्यात नाही आहे, तर याबद्दल आपण त्यांच्या कोणत्याही वक्तव्याकडे कोणीही गंभीरपणे बघत नाही. अशा पद्धतीचे वक्तव्य वारंवार करण्याची सवय लक्ष्मणराव ढोळेंना लागली आहे. स्वतः ते टँकर घेऊन ते चहापूरला वगैरे पाणी द्यायला स्वतः गेलो, काय त्यांना आवश्यकता काय होती दुष्काळ वगैरे नसेल. नाही पण त्यांचं असं म्हणणं आहे की राज्यात जेवढी दुष्काळाची स्थिती दाखवली जाते तेवढा दुष्काळ नाही आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री सांगतात की पेट्रोलला काही करता किमती कमी करता येणार नाही कारण देशावर राज्यामध्ये दुष्काळ आहे आणि त्यांचा मंत्री नाकारतो, हे कसं काय? मुख्यमंत्री स्वतः कबूल करतात. पश्चिम बंगाल मध्ये ममता बॅनर्जी महागाईच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या, राष्ट्रवादीचा पेट्रोल दरवाढीला विरोध आहे, तर शिवसेना भाजप आव्हान करते का राष्ट्रवादीच्या बाहेर जा, सत्तेच्या बाहेर निघा म्हणून आव्हान. आपने थोड़ी देर पहले कहा कि गैस के दर ना बढ़े इसके लिए पीएम की पत्नी ने उनको कहा था, ये कब का मामला और क्या क्या हुआ था उसमें? जब यूपीए के लिए लोगों के बीच में यूपीए सरकार गई, 100 दिन में महंगाई हम नियंत्रण में लाने की बात कही, उसके बाद का जब अर्थसंकल्प आया, उसके अर्थसंकल्प सादर होने के पहले पंतप्रधान जी के धर्मपत्नी से ये पूछा गया, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं चाहती हूँ कि गैस के भाव नहीं बढ़ना चाहिए, मगर हमें लगता है कि जो अपने पत्नी का नहीं सुनते वो जनता का क्या सुनेगा. सुपरस्टार भी अमिताभ बच्चन ने भी पेट्रोल के जो दर बढ़े हैं उनके बारे में चिंता जताई है. मी मुंबई मध्ये असणार आहे, प्रत्येक नेत्यांना एक एक ठिकाण वाटून देण्यात आलं आहे. तावडेजी नागपूरमध्ये आहे, देवेंद्र फडणवीस पुण्यामध्ये आहे, गोपीनाथजी औरंगाबाद मध्ये आहे, सर्व ठिकाणी ते सांगितले नाही पण नेत्यांना. विजय साहेब आमतौर पर शिवसेना मुंबई बंद का या फिर महाराष्ट्र बंद का आह्वान करती है, शिवसेना का एक अपना स्टाइल होता है बंद करने का, तो क्या इस बार भी हम वो शिवसेना का स्टाइल देखेंगे? शिवसेना के स्टाइल से ही चलेगा. या संदर्भात मुंबईच्या सर्व शिवसेना भाजपा आणि आरपीआय पदाधिकाऱ्यांच्या विभागीय बैठकी बंदच्या संदर्भामध्ये उद्या होणार आहे, कृपया आपण ही गोष्ट प्रकाशित करावी. असं आहे की बंदच्या संदर्भामध्ये जे प्रतिकात्मक आंदोलन आहे त्यासाठी पेट्रोल चा उपयोग न करणारी वाहन वापरावी, प्रतिकात्मक आपल्याला निदर्शने करायची होते प्रतिकात्मक. याचा अर्थ त्यांनी असा म्हणत का नाही की त्या दिवशी कोणत्याही वाहनाने कोणत्या भागात कार्यकर्त्यांनी जाऊ नये, प्रतिकात्मक ज्या ज्या ठिकाणी कुठं बैलबंडी मोर्चा निघणार आहे, कुठं सायकलवर कार्यकर्ते निघणार आहे, तसं मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रातही चंद्रपूर पासून मुंबईपर्यंत अनेक ठिकाणी होणार आहे. पर्दे के पीछे कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी एनसीपी का गठबंधन होने की संभावना नहीं है. वहां पे कांग्रेस के गलत उम्मीदवार की वजह से कांग्रेस के कई नगर सेवक नाराज थे. अब कांग्रेस के अपक्ष बीएसपी ये सारे नगर सेवकों ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति को समर्थन दिया और वहां पे वोट मिले और इसलिए जीत हासिल हुई. अगर गठबंधन कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी का आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं तो परभनी में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के वोट कम है, नासिक में भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के जो वोट है उससे ज्यादा वोट मिले हैं. मुझे लगता है कि ऐसी देखो सारी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जिनको पेट्रोल के भाव बढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि महंगाई बढ़ेगी, लोगों को तकलीफ होगी, वो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम तो चाहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी
बंद में शामिल हो। हम सभी राजनीतिक पार्टी को, सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि महंगाई की मार इस देश के गरीबों को झेलनी पड़ेगी, आम आदमी को झेलनी पड़ेगी, वो सब इस बंद में शामिल हुए। पत्रकार बंधुओं से विनती करता हूँ कि बंद में शामिल हो। नाशिकची जी निवडणूक झाली मनसेनं, नाशिकची जी निवडणूक झाली मनसेनं तुम्हाला जोरदार साथ दिली भुजबळांविरोधात, काय सांगाल? सेना आणि मनसेची इकडे चांगली युती नाशिकच्या निवडणुकीमध्ये बघायला मिळाली। नाशिकच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एक लाट आली आणि म्हणून आमची स्वतःची मतं एवढी नसतानाही इथपर्यंत आम्ही मजल मारू शकलो। याच्यात इतर पक्षांनी जर मदत केली, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सुद्धा काही मतं आमच्याकडे आलेली आहेत, त्यामुळे एवढा आम्ही आकडा काढू शकतो। सेना मनसेचं जे काय भांडण होतं ते संपलं असं म्हणायचं का या निवडणुकीच्या निमित्ताने? मी तुम्हाला पुन्हा सांगतो की अनेकांनी या वेळेला काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि खास करून राष्ट्रवादीचा उमेदवार पराभूत व्हावा म्हणून ही एकजूट केलेली आहे आणि त्यामुळेच काँग्रेसची राष्ट्रवादीची सुद्धा मतं इकडे आलेली आहे। सर्व त्याच्यामध्ये सर्व पक्ष आले, त्यांच्या सहानुभूतीमुळेच ही आमच्या वाटलेली। कारण हा प्रश्न आमचा पक्षाचा नाहीच आहे, हा हे पक्षी आंदोलन नसून जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर आंदोलन आहे, त्यामुळे सर्वांनी याच्यामध्ये सामील व्हावं। राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुद्धा इतर त्यांच्या असे पुचक्यांनी कार्यक्रम करण्याऐवजी 31 या महाबंदमध्ये उघडपणे सामील व्हावं। देव एक वेगळा प्रश्न आहे, राज ठाकरे उद्या चंद्रपुरात जात आहे, अतिथी देव बघून काही स्वागत करणार? मुंबईत आहे उद्या, नाशिक बंदसाठी मुंबईत आलो, त्यांचा कार्यक्रम काल ठरला। उसके बाद में छगन भुजबल ने यह कहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए और उनकी लगातार यही कोशिश रही है कि दोनों साथ में आए। छगन भुजबल वो कहते हैं कि दोनों ने साथ आना चाहिए, उन्होंने शुभकामना दी है। इच्छा का इच्छा है, इच्छा का इच्छा है। अगर ये शुभकामना दे रहे तो उनका क्या होगा? लेकिन